अब राम भाई यो भाई आ रहा देखो देखो के कुछ कह रहा शुरू करया भाई ने माइक लिया दो मिनट पहले देखो भाई ध्यान तो सुनियो के कहेगा डट जाओ रे बलंगो गला बैठवा जा नारे मार मार मैं सबसे पहले तो आप सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्पेशल रामदेव सर को और सभी पार्टियों को बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पहली बार साथियों कभी ये धारणा को आपको बैठ जाओ यार। सबसे पहले तो आप सभी लोग बोलना चाहते हैं, सभी लोग इसे बैठ जाओ। हम सभी लोग बैठ जाओ आपके लिए आए हैं। बैठ जाओ यार। देर चलना है, अभी एक घंटे नहीं होगा। पलटी मार के आराम से बैठो। सबसे पहले तो मेरी बात को भी ध्यान देना। आवाज तो सुन रहे हो? यस सर, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? आपके मामू के लिए करेंगे, हर कोई आपके मुद्दे की बात करना है। इसीलिए आए सबके सब लोग, इसीलिए आए आपस में कोई लड़ा नहीं। पहली बात ध्यान दीजिए साथियों, अभी इस आंदोलन को, इस धरना को सक्सेस बनाना है तो आपको शांतिपूर्ण सबसे तरीके से अनुशासन के साथ आपको बैठना पड़ेगा। हम लोग आए केवल आप लोगों के लिए। यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर कोई भी भाई इस दिल्ली को इसी प्रकार का कोई क्षति न पहुंचा। पहला मैं, मेरे साथ हो गए, कोई भी किसी प्रकार से क्षति ना पहुंचाए, ना कोई तोड़फोड़ करे। हम केवल आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोग बोलेंगे सर 3 महीना डटना डटेंगे, लेकिन सब पे करेंगे डटेंगे। खुदा ना चाहता भाग दौड़ में कोई भाई यहां पर मर गया तो उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने आपको जन्म दिया, या किसी का पैर टूट गया, क्या मेडिकल टेस्ट पास हो जाओगे? नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई भी भाई किसी के बैठो में ना आए। हम केवल इंसाफ मांगने के लिए आए। दो साल की छूट मिले, मेडिकल फिजिकल हो गया, भर्ती नहीं, रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ, रिटर्न हो जाए। और अभी तक 2 साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती हो जाए, चाहे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साथ हो गए। इसी तरह सभी लोग सब पे तरीके से बैठना, और जो भी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं उनकी सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई वो सुनाई दे रहे हो, अपनी मांगे लिखवा के ले आए आप, ठीक है? अभी मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूँ, सुनोगे सभी?